नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में मदरसों को लेकर मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बैठक ली। इस बैठक में यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर्ड कराया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश मदरसों के मामले में एक मिसाल बनकर सामने आएगा और जिन मदरसों पर हाल ही में कार्रवाई की गई है उन्हें भी रजिस्टर्ड कराने की तैयारी की जाएगी। आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही मुस्लिम पर्सनल या मदरसे बोर्ड चलाने वालों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। आरिफ मसूद सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहीं भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि मदरसों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाने पर कहा कि जाँच होनी चाहिए। और क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। हल भी निकालना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम के लिए आज हम लोग डेढ़ दो घंटा बैठे, काफ़ी डिस्कस हुआ और उस डिस्कस के बाद मोटा मोटा ये निकला कि तकरीबन मदरसे वैसे रजिस्टर्ड हैं लेकिन गली मोहल्लों में छोटी छोटी जगह भी बहुत सारे मदरसे खुल गए। उन मदरसों को यह कहा जाएगा कि जो फर्म सोसाइटी में अपने मदरसे रजिस्टर्ड करा लें, और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे मदारिस जो दीनी तालीम दे रहे हैं फैमिली की परमिशन से दे रहे हैं, सो इच्छा से दे रहे हैं, और उन बच्चों के लिए रहने और खाने और पीने का इंतज़ाम भी सोसाइटी अपनी तरफ से करती है, जो एक एनजीओ के रूप में काम करती है वो अपना काम बाखूबी अच्छे से करें, और जो गवर्नमेंट की मंशा है कि उनकी मंशा जो हमको समझ में आई आज हम लोगों ने तीर समझा कि उनका मकसद भी यही है कि जो काम जो हो रहा है वो लीगली तरीके से हो और उनको वजाहत हो कि ये काम गैर कानूनी नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि तमाम मदरसों को फर्म सोसाइटी ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कराया जाए और उसकी प्रतियां जिला मुख्यालय पे कलेक्टर एसपी या अधिकारियों को दे दी जाए, तो जिससे ये जो भ्रम फैल रहा है वो भ्रम मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाएगा। तो आज मोटा मोटा यही तय किया गया कि तमाम मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं वो अपनी प्रतियाँ दे दें, और जिनके रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में वो भी दे दें, और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है अगर ऐसे कोई छोटे छोटे मदरसे जो चल रहे हैं वो जल्द से जल्द फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड कराकर गवर्नमेंट को दे दें, तो एक मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा वातावरण हो, देश के अंदर एक मध्य प्रदेश की साख बने, देश में एक पैगाम जाए कि मध्य प्रदेश के मदरसों ने एक साहसिक कदम उठाते हुए एक यूटिलाइज तरीके से सब एक होकर एक जगह यूनिफॉर्म की तरह करते हुए अपने आप को सरकार की मंशा के अनुसरूप फर्म सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा लिया। ये काम हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। ये पैगाम आपके माध्यम से हम सरकार को भी देना चाहते हैं, और शीघ्र ही हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि सरकार के बैठा है चीफ सेक्रेटरी साहब या आला अधिकारी जो भी इस मामले में होगा उनको भी अवगत करा देंगे कि हमारी मंशा इसमें साफ है, हम सारे मदरसे ज़्यादातर रजिस्टर्ड है और जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें जल्दी रजिस्टर्ड कराकर दे दिया जाएगा ताकि ये भ्रम मध्य प्रदेश में ख़त्म हो जाए और देश में एक नज़ीर बने। इसी के लिए मैंने आज आपको बुलाया था। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बात बराबर आ रही है, देश में भी चल रही है मदरसों को लेकर कि मदरसे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मैंने पहले भी एक सवाल जब ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था तो ये पूछना चाहा था कि कौन से मदरसे बंद कराना है वो बताए जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। मदरसे ज़्यादातर तकरीबन रजिस्टर्ड हैं, दो वजह हैं, एक मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होता है और एक ऐसा होता है जो किसी से ग्रांट नहीं लेते और अपनी सोसाइटियों पर रजिस्टर्ड होकर पुश्तैनी चलाना, और मदरसों के मुतालिक जो रोज़मर्रा के एक परेशानी खड़ी हो रही है उसको लेके आज पर्सनल बोर्ड की तरफ से मैंने मध्य प्रदेश के हमारे ज़िम्मेदार 15-20 जो इम्पोर्टेंट रीज़न वाइज थे, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन से बात करी, और काजी शहर भोपाल मौलवी मुश्ताक साहब और मुफ्ती कलाम साहब से दरख्वास्त करी कि ये जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं इसको दूर करने के लिए हमें अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर दवाखाना और थाना एक ज़रूरत होती है,
इसी तरह हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह हर सोसाइटी के अंदर एक दवाखाना एक थाना होना चाहिए, हर सोसाइटी में मदरसा होना चाहिए। कि मदरसे का बुनियादी काम यह है कि हर दुनिया में आने वाले को ये बताता है कि तेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, तुझे एक अच्छा इंसान किस तरह बनकर रहना है। उसको हम हर मदरसा ये सिखाता है कि जैसे ही वो समझदार हो जाए, समझदार होने से लेकर दुनिया से जाने तक उसको क्या कर्तव्य करना है, ये हर मदरसा सिखाता है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर मदरसा अपना कर्तव्य मुकम्मल तौर से करे, और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो मदरसे की तालीम को नहीं जानते, मदरसे की तालीम को हासिल मालूम करें। और हर मदरसे के अंदर बुनियादी तौर से हम अच्छी तरह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बुनियादी तौर से मदरसे के अंदर यही सिखाया जाता है कि तुमको दुनिया के अंदर मालिक ने भेजा है। और ये भी हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इंसान आता है वो ऐसा होता है, ना उससे पहले आए ना बाद में आएगा, वो मुनफरिद होता है। हम चाहते हैं कि जब दुनिया में मालिक ने भेजा है तो अच्छा इंसान बनकर रहे, वो मालिक का भी वफादार रहे, इंसानों को वफादार रहे, और पूरी मानवता का काम हो। तो हम मदरसों के लिए असली आज हमने पूरे MP के लोग इकट्ठा किया है कि हम मदरसों को अच्छी तरह चलाएंगे। और जहाँ मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट की मंशा है, हर मदरसे को रजिस्टर कराया जाए और उसके अंदर शफाफियत पैदा की जाए, आज का हमारा यही मकसद है। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर अपना कर्तव्य करता रहे और इंसानियत के लिए हम काम करते रहें। उम्मीद है कि हमारा आज का ये इजलास, ये पैगाम पूरे देश के अंदर जाएगा, और हमारे MP के जितने हजरात जिम्मेदार बैठे हैं और जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे कहते हैं मदरसों का निज़ाम बेहतर कीजिए, गवर्नमेंट जो रशन करा लीजिए, और तालीम का आला इंतजाम कीजिए। आपके मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का एक पहचान बन जाए कि आपके मदरसे का बच्चा बना हुआ है एक बेहतरीन इंसान होगा, वो धोखा देने वाला नहीं होगा, वो झूठ करने वाला नहीं होगा, वो रेप करने वाला नहीं होगा, वो रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, वो सच्चा इंसान बनकर रहेगा। ये काम हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे देश का भी नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम भी होगा, और हमको मालिक ने जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद हमारा पूरा होगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, आज इसलिए हमने पूरे MP के लोगों को बुलाया है, और माशाल्लाह पूरे MP के हजरात जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, और आपके जरिए से MP के एक घर ये पैसे पहुँच जाएगा। हम सबसे कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस सिलसिले में अलर्ट होकर, मुस्तैद होकर पूरे तौर से काम कराएं, और ताकि किसी किस्म का कोई नया मसला ना पैदा हो, और हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। और गवर्नमेंट के लोगों से भी आपके ज़रिए कहना चाहते हैं कि मदरसों पर को शक की निगाह से मत देखिए, उन पर गैर जरूरी कार्रवाई मत कीजिए। अगर किसी के बारे में आपको मिलता है तो आप मालूम कीजिए, हम इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे इंशाल्लाह। देखिए ये मेरे से हमने कह दिया कि हमारे मदरसों का मकसद ये है, अब किसने किया है? हमारे मदरसों का मकसद हमने बता दिया कि हमारे मदरसे का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना, हर मदरसे का, हर संस्था का हमारा मदरसा है। अब किसने क्या किया है, अगर कोई उससे गलत फ़ायदा उठा रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, मदरसों की जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।